है, हमारी मेम साहब नहीं ना रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। आप एकदम गहन चिंतन करने लगे। मैंने कहा था दो फोटो लाने के बाद दोनों को सेलेक्ट भी करना है, अभी तक सेलेक्ट किए हो क्या? और करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल। ग्रुप मतलब क्या होता है? समूह, जैसे कि आप और आपके दोस्त, ठीक है? जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके कह सकते हैं कि यहाँ टैक्स ट्रैपिंग तक कंप्लीट कर लिया था और हमने अलाइंग के बारे में थोड़ा कुछ जाना था कि अलाइंग क्या होता है। आई होप सो आपको वहां तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कॉमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। चलो आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अलाइंग पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये मैंने इसके बारे में कुछ बताया था, अलाइन लेफ्ट मतलब आपका बायां हाथ, आप इसको बायां हाथ की तरफ कर सकते हो। अलाइन सेंटर से आप कहां पे कर सकते हो, इसे बीचों बीच में कर सकते हो। अलाइन राइट से किस ओर कर सकते हो, राइट ओर, टॉप से ऊपर, मिडिल से बीच में, और बॉटम से कहां पे आ जाएगा आपका, नीचे पे आ जाएगा। देखो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का हिंदी मीनिंग होता है बांटना। जैसे कि अंग्रेजों ने किया था ना, फूड डालो राज करो करके, तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, चीजों को बांटना। सर कैसे होता है बांटना? डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब बता चुका हूँ बेटा क्या होता है, चौड़ाई। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, यहाँ पे भी बांटने होगा। वर्टिकल मतलब होता है लंबाई, मतलब कि क्या करेगा, आपके फोटो को लंबाई के हिसाब से बांटने का काम करेगा, और आपके फोटो किसके हिसाब से बांटेगा, चौड़ाई के हिसाब से। सपोज करो आपके पास ये फोटो है, मैंने कहा ये फोटो यहाँ पे रखो, तो अब देखो वो फोटो बीचों बीच बनी। एक्चुअली मान लो ये फोटो आपके पास ये बना हुआ है, ये फोटो इस हिस्से पे है, मैंने पूछा आपसे क्या ये बीचों बीच में, तो आप इस फोटो को देखे बोले नहीं सर बीचों बीच में नहीं है। मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं है, तो आप बोले कि सर ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं है तो भी बीचों बीच में नहीं है, और सर ये दूरी और ये दूरी भी बराबर नहीं है तो भी बीचों बीच में नहीं है, मतलब ना तो लंबाई के हिसाब से बीचों बीच में है सर, ना तो चौड़ाई के हिसाब से बीचों बीच में है। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल चौड़ाई के हिसाब से बीचों बीच में कर देगा, और जो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल है आपका किसके हिसाब से बीचों बीच में कर देगा, लंबाई के हिसाब से बीचों बीच में कर देगा। कैसे करता है आओ देख, इसको समझने के लिए हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। वहां पे आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो आप हम सर्च करते हैं POW और डायरेक्ट हम लोग आगे पावर पॉइंट, यही सॉफ्टवेयर है क्या? आ जाओ किसी एक पिक्चर को हम लोग ओपन करते हैं, इंसर्ट पे आ गए, इसके बाद आ जाओ क्लिप आर्ट या कहीं भी जा सकते हो। हम लोग ले आते हैं मेम साहब को, तो ये हमारी मेम साहब आ गई, मतलब कि आ गई मेम साहब। यहाँ पे आने के बाद क्या किया हमने, इसे पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है? अब देखो मैंने मेम साहब को यहाँ पे रख दिया, अब मेम साहब बीचों बीच में तो नहीं है क्योंकि चौड़ाई का ये हिस्सा इतना छूट गया, इधर इतना छूट गया है। सर कैसे होंगी मेम साहब बीचों बीच में, तो देखो अलाइंग, और दिखा क्या, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल एक्टिवेट अभी, तो जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करूंगा या चौड़ाई के हिसाब से मेम साहब को बीचों बीच में कर दिया। ये देखो मेम साहब बीचों बीच में आ गई, लेकिन अभी भी मेम साहब किसके हिसाब से बीचों बीच में आई है, सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई के हिसाब से। मेम साहब लंबाई के हिसाब से बीचों बीच में आ पाई है क्या अभी तक? लंबाई के हिसाब से तो बीचों बीच में मेम साहब नहीं आ पाई है। कैसे लाएंगे? तो मेम साहब को लंबाई के हिसाब से बीचों बीच में लाने के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा, किस पे, यहाँ पे अलाइन, और कर दो अलाइन वर्टिकल। अब देखो मेम साहब लंबाई के हिसाब से भी कहाँ पे आ गई हैं, बीचों बीच में, और मेम साहब चौड़ाई के हिसाब से भी कहाँ पे हैं, बीचों बीच में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसे सेट कर सकते हो फोटो पे, या तो आप लंबाई के हिसाब से बीचों बीच में रख लो, या तो आप चौड़ाई के हिसाब से फोटो कहाँ पे कर सकते हो, बीचों बीच में सेट कर सकते हो। आते हैं फिर हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसी पे ही देखो क्या बना हुआ है, अलाइन पे ही, ये अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। देखो अभी अलाइन स्लाइड था, एक्चुअल में अगर आप वर्ड पे भी आओगे तो आपको सेम यही चीज मिलता है। यहाँ पे अगर आप अलाइन पे आओगे तो देखो अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे सर ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, अलाइन टू मार्जिन मतलब क्या होता है, अभी एक चीज बताने यार एकदम गौर से समझोगे। देखो मैं इसको कर दिया अलाइनमेंट राइट, फोटो यहाँ तक आया, इसके बगल में गया, मान लो मैं अलाइनमेंट लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट कर दिया, लो
फोटो यहां तक आया, इसके पीछे गया क्या? लेफ्ट तो ये भी है ना, लेफ्ट नहीं है क्या ये? ये भी तो लेफ्ट है, लेकिन सर पीछे तो नहीं गया, क्या कारण हो सकता है पीछे नहीं जाने? लेकिन कैसे जाएगा, आपने तो मार्जिन सेट करके रखा है, और मार्जिन का यूज ही किस लिए करते हैं हम लोग? जगह छोड़ने के लिए। अभी मैं किसके विथ रिस्पेक्ट इसे सेट कर रहा हूँ? मार्जिन के विथ रिस्पेक्ट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अलाइन विथ रिस्पेक्ट मार्जिन। मैं करता हूँ विथ रिस्पेक्ट पेज। अब इसी चीज को मैं फिर से क्या करता हूँ, अलाइनमेंट लेफ्ट, और अब देखो कहाँ तक आ गया, पूरा किनारे तक आ गया, समझोगे? मान लो आपके पास ये पन्ना है इतना बड़ा, ठीक है, मैंने आपको ये पेन दिया, बोला इसे उठा के आप लेफ्ट में रखो, आपने यहां पे रख दिया, आपने इतना जगह क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब ये आप पे निर्भर करता है ना कि आपने जगह छोड़ा, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो लेफ्ट में फिर कहां पे आएगा ये चीज, यहीं पे आएगा। तो पहले हमने जगह छोड़ा था, क्यों? क्योंकि हम मार्जिन के हिसाब से सेट कर रहे थे। लेकिन अभी हमने जगह छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है। अभी आपका पेन कहां पे आके सेट हो गया? कुछ यहाँ पे पेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा पेज तो यहां तक है ना, तो अलाइन टू पेज आपका वही काम करता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। जैसे हम यहां पे आ गए, आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे, इस पे आप एक बार विजिट करो और देखो क्या लिखा हुआ दिख रहा है, अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। सर ये अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, और ये अभी एक्टिवेट भी तो नहीं है? तो देखो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, किसी बड़े फोटो के सापेक्ष छोटे फोटो को घुमाना ही कहलाता है अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बड़ा फोटो है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक बड़ा फोटो ये है और मेरे पास एक छोटा फोटो ये है, तो इस बड़े फोटो के सापेक्ष इस छोटे फोटो को अगर मैं टॉप पे लेके जाऊंगा तो ये फोटो टॉप पे कहां पे जाएगा? इसके टॉप पे जाएगा, ना कि पेज के टॉप पे ना। मैंने कहा इसके आप लेफ्ट पे ले आओ तो इसके लेफ्ट में कहां पे आएगा? यहां पे। इसके सेंटर में कहां पे आएगा? तो यहां पे आएगा। इसके बॉटम में कहां पे आएगा? तो यहां पे आएगा। तो किसी बड़े फोटो के सापेक्ष छोटे फोटो को घुमाना ही क्या कहलाता है? अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। एक्टिवेट है क्या अभी तक? एक्टिवेट नहीं है सर, क्यों? क्योंकि हमने दो फोटो लिए हैं क्या? नहीं। और दोनों को सेलेक्ट भी किया हो क्या? नहीं किया हो। आओ लेके देखते हैं, इसे सेलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, इसे चेकआउट करते हैं। इसे पहले सिंपली यहीं से रफ कर लेता हूं एंड देन हम लोग आ जाते हैं आपके, फिर से यहां पे विजिट करते हैं। हमारे पास अभी एक फोटो है जो कि ये है आपका, ये आपको दिख रहा होगा। एक और फोटो हम लोग ले आते हैं, इंसर्ट पे आ गए आपके, या फिर आप क्लिप आर्ट से भी ला सकते हो, सिंपली मेम साहब को ही लाते हैं हम लोग। देखिए मेम साहब आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेम साहब को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, मतलब कि छोटा कर लेते हैं ये और ये। अब देखो मेम साहब के सापेक्ष ये फोटो क्या है, अभी छोटा सा है ना। अब देखोगे क्या होगा, पहली बात तो अभी भी एक्टिवेट नहीं है ये। सर लेकिन आप तो बोले थे कि दो फोटो लाएंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट तो नहीं है सर। तो मैंने, अरे वो तो मैंने झूठ बोला था, जनता माफ नहीं करेगी। मैंने कहा था दो फोटो लाने के बाद दोनों को सेलेक्ट भी करना है, अभी तक सेलेक्ट किए हो क्या? और करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल, क्योंकि मान लो अगर आप इसको चुन रहे हो तो ये छूट जा रहा है, इसको चुन रहे हो तो ये छूट जा रहा है, तो आप कंट्रोल प्रेस करो और दोनों को सेलेक्ट करो। कैसे? तो कुछ ऐसे, जैसे आपने किया अब दोनों फोटो सेलेक्ट हो गए। अब आके देखो तो अलाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एक्टिवेट है कि नहीं। अब देखो एक्टिवेट हो गया ना अलाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस पे आके क्लिक कर लेता हूँ। अब देखोगे क्या होगा, ये मेरा फोटो यहाँ पे है ना, मैं अभी टॉप पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये फोटो कहाँ पे जाता है उठ के। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया, आने के बाद मैंने क्या किया, अलाइन पे क्या कर दिया इसको टॉप। देखो मेरा फोटो टॉप पे गया, लेकिन टॉप कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ तक आया क्या? नहीं, इस फोटो के टॉप पे गया। क्यों गया सर? जा पूछ क्या? क्योंकि बता चुका हूँ अभी, तुरंत बताया हूँ आपको, हमने क्या किया है अलाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्रिड लाइन का हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका, ग्राफ। तो आप क्या कर सकते हो, व्यू ग्रिड लाइन से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ के एरिया को देख सकते हो। यहां से व्यू मतलब होता है देखना, ग्रिड लाइन मतलब क्या होता है, ग्राफ।
तो ग्राफ को देखने के लिए आप यहां से ग्रिड का आप सेटिंग कर सकते हो। ग्राफ का सेटिंग जैसे कि मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो इसके बीच में इतना इतना दूरी है, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं हमेशा इतना ही दूरी रखूं, मैं इस दूरी को बड़ा भी तो कर सकता हूं, कुछ ऐसा ग्राफ बना लूं, कुछ ऐसा बना लूं, या हो सकता है मैं इसको और पास पास कर दूं ऐसा। तो ये सारा सेटिंग हमारे ग्रिड सेटिंग से होता है। कैसे होता है देख लेते हैं अभी तुरंत प्रैक्टिकल करके। देखो मैं आ गया यहाँ पे ग्रिड से, व्यू ग्रिड लाइन पे गया, देखो ग्राफ दिख रहा है ना। अब आप चाहते हो ये जो हिस्से हैं ये थोड़े दूर दूर हो जाए और ये भी और दूर दूर हो जाए, मतलब इसका लंबाई चौड़ाई और फैल जाए, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा अलाइन। अलाइन पे आने के बाद आप जाओ ग्रिड सेटिंग, और यहाँ से आने के बाद आप इसे सेट कर सकते हो। ये देखो हॉरिजॉन्टल दूरी को मैंने बढ़ा दिया, और यहाँ से मैंने वर्टिकल दूरी को भी क्या कर दिया, बढ़ा के मैं ओके कर देता हूँ। देखो अब ग्राफ ही क्या हो गया, एक टेबल की तरह खांचा खांचा में बदल गया। तो आप ये सेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आते हैं अब हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, मैं इसे सिंपली यहाँ से ग्राफ को ऑफ कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुप। ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह, जैसे कि आप और आपके दोस्त, ठीक है। لا كورة دوك تغني دوك ايوا صح هذا صح و तो मैक्सिमम क्या होता है कि हम लोग समूह बनाते हैं, समूह में कम से कम एक आदमी चाहिए, क्या कम से कम कितने चाहिए, दो या दो से, या इवन आप अगर व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाते हो, मान लो आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है, छपरा या छपरी ग्रुप आपको बनाना है, तो कम से कम आपको कितने छपरी चाहिए होंगे, दो छपरी आपको चाहिए होंगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, ग्रुप क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, हम यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, लेकिन ग्रुप बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए बताया था मैंने, दो फोटो। आ जाओ ये देखो हमारे पास दो फोटो हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ग्रुप से एक साथ या तो बड़ा कर लो, या तो आप एक साथ क्या कर सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो। देखो छोटा ज्यादा अच्छे से आप यहाँ समझ पाओगे, जैसे मैं अगर पावर पॉइंट आपको ओपन करके समझाता हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे अभी एक ही फोटो है, किसका फोटो है, वो मेम साहब का फोटो है। मेम साहब के फोटो को हम लोग उठा के कहीं सेट कर लेते हैं। एक और फोटो क्या करता मैं सिंपली यहाँ पे ले आता हूँ, और फिर उसको अरेंज कर लेते हैं हम दोनों को। सो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बाद आपको दो फोटो दिख रहा है, मैं दोनों को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके, मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो दोनों फोटो को मैं जैसे ही ग्रुप पे करता हूँ, अभी आप देखोगे दोनों फोटो का अलग अलग आपका आउटलाइन बना हुआ है, मतलब कि ये फोटो का आउटलाइन अलग है, इसका अलग है, लेकिन जैसे ही ग्रुप करूंगा दोनों छपरा एक में आ जाएंगे। कैसे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद आप इस पे क्लिक कर दो, इसके बाद इस पे क्लिक कर दो ग्रुप पे। अब देखो दोनों का क्या हो गया, आउटर शेप एक हो गया। सर फायदा क्या होगा, देखो कि मैं एक को बड़ा करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, इसको मान लो बड़ा कर रहा हूं तो ये बड़ा हो जाएगा, कैसे, तो कुछ ऐसे, ये देखो। और एक साथ आप दोनों क्या कर सकते हो, छोटा, तो एक साथ कई फोटो का आप इससे क्या कर सकते हो, या तो बड़ा कर सकते हो या तो छोटा, किसकी सहायता से, ग्रुप की सहायता से, नहीं रखना है इसको अनग्रुप कर दो, दोबारा फिर से ग्रुप बनाना है, इन दोनों का अलग अलग हो गए हैं, तो आप पैचअप करवा सकते हो यहाँ से आगे। किस कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, पे रीग्रुप पे क्लिक करके, ठीक है। आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आपके, मैं अब सिंपली यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे आ गए, इस कार को आप लोग जैसे भी रख रहे हैं वैसे रख सकते हैं, पोजीशंस को सेट करता हूँ सीधे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या दिखा हुआ है, रोटेट। रोटेट मतलब क्या होता है, घुमाना। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, सबसे बड़ा दुनिया का पाप कर दिया कि आपने अपने दोस्त को 200 रुपया फोन पे दे दिया। आपका दोस्त बोला कि यार इमरजेंसी में फंसा हूं करके, उधारी का बाइक लिया, अब एक काम कर भाई तू उधारी का पेट्रोल डलवा दे। तो आपने क्या किया, अपने दोस्त को दया खा के पैसा दे दिया। अब आपका दोस्त बोला था आपको कल देगा, जो कि कभी नहीं आएगा, जो कि कभी भी आने वाला
नहीं है, लेकिन आपका दोस्त बोला है कि आपको कल पैसा वो दे देगा। आप कल गए, भाई वो पैसा यार वो 200 रुपये था। अरे आपका दोस्त जो कि कल आपसे पैसा मांगा था, अरे क्या तू भी 200 रुपये के लिए मरा जा रहा है, 200 रुपये के लिए क्या करता है, लोग दोस्ती में जान दे देते हैं। भाई तू 200 रुपये वापस कर दे यार, जान मत दे, 200 रुपये क्या कर दे, वापस कर दे। मुझे बताया था क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट तो कुछ नहीं है, और एक मैं मैसेज कर दे सकता हूँ। शो वो मैंने अपने कजन से 1000 रुपये लेना है वो। Wait a minute. अपने कजन से 1000 रुपये लेना है वो। अगर भाई मेरे ना यार अरफान भाई 1000 रुपये मुझे वापस कर दे प्लीज, 5-6 दिन हो गए हैं, कॉल भी कर रहा हूँ वो उठा नहीं रहे हो, तो मेहरबानी पैसे भेज दे। अरफान भाई इनके पैसे भेज दे, अब तो मैंने भी आपको भाई बना लिया, अब तो भेज दे। ओ भाई मारो। तो आपका दोस्त अल्टीमेट क्या कर रहा है, आपको घुमा रहा है ना। वैसे ही अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दोस्त को तो नहीं घुमा सकते, लेकिन फोटो को आप क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। कैसे घुमा सकते हो, रोटेट की सहायता से। ये देखो ये जो फोटो है, अब आप इसे चाहते हो घुमाना तो बहुत आसानी से आप इसे क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। अब इसे मैं सेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके लिए आसानी रहे ये काम। ठीक है, ये देखो ये फोटो रहा। अब इस फोटो को आप कहाँ पे आ जाओ, रोटेट पे, और जैसा भी आपको घुमाना है, देखो ये 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 रोटेट के बारे में मैंने आपको पेंट की वीडियो लेक्चर पे अच्छे से बताया है, एक बार आप वहां भी विजिट करके इसे चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है क्रॉप। क्रॉप मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, अब देखो मान लो आप क्या हो, आप एक छपरा हो, और आप क्या किए कि फोटो खिंचवाने के लिए फोटो शूट पे गए, जहां पे कि आप जब फोटो शूट पे गए थे तो आपके पास क्या था, एक रेंट का कैमरा था आपके पास, एक रेंट का कह सकते हो DSLR, एक रेंट का KTM, और आप उधारी में भी क्या किए थे, सामने का 2 बाल हरा करवाए थे। और उसके बाद आप जब फोटो खिंचवा लिए तो आपको पता चला कि आप नीचे पहन लिए हो चप्पल। अब आप उस फोटो को फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालोगे क्या, नहीं डालोगे ना। आपको छपरा समाज में रहने दिया जाएगा क्या, नहीं रहने दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसको क्रॉप कर लोगे। तो यहाँ पे भी ये सेम काम करता है क्रॉप। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग इस फोटो को ले आते हैं, मैं इस फोटो को पहले यहाँ पे ले आता हूँ। ये देखो ये फोटो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब आप चाहते हो इस फोटो को क्रॉप करना, इस फोटो को काटना, तो आप क्रॉप पे आ जाओ। और ये मैंने चाहता हूँ इतना हिस्सा कट जाए, मैं यहाँ से पकड़ा इसे, इतना से इतना को मैंने कर दिया खत्म। यहाँ से आपने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ, ये भी क्या हो गया, खत्म। तो आप क्रॉप से फोटो को काट सकते हो। साइज मतलब होता है आकार फोटो का, या तो आप यहाँ से बड़ा कर लो, या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से छोटा। तो ये आपका जो फॉर्मेट टूल है, फॉर्मेट टूल हमने क्या कर लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो जाओ नीचे कमेंट सेक्शन, वहाँ पे जो भी डाउट है आप पूछ लो। यदि आपको नोट्स चाहिए तो भी आप वहाँ पे हमसे मांग सकते हो, आपको नोट्स वो दे दिया जाएगा। यदि इसके अलावा आपके कोई दोस्त तैयारी करना चाहते हैं पटवारी, SSC, GD, व्यापम या कंप्यूटर संबंधित किसी भी जॉब का, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो, हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लें, जहाँ पे उनको सारे वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू।